सो यो व्हाट इज अप गेमर्स। सो आज अपन दोबारा से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस, और यहाँ पर अपन जा रहे हैं ओल्ड बेसिन। और ये वाले गेम प्ले वीडियो में मैं इतने बार नॉक हुआ, मतलब दो तीन बार ही हुआ, वो बात अलग है। हाँ तो आ चुके ओल्ड बेसिन पे, और भाई यहाँ आई थी एक स्क्वाड जिसके दो बंदे तो मैं ही ठिला देता हूँ, और दो बंदे साहिल ठिला देते, मतलब बैड किलर जो नंबर एक कतई बैठे हैं ना वो। तो थोड़ा सा लूटपाट करके भाई बंदों के ओर जाते। मैं तलाश कर रहा था एक ऑटो गन की, बट मुझे तो मिलता है नहीं। और भाई बैड किलर के पास थे बंदे, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे चला जाता हूँ उसको सपोर्ट देने। बट यहाँ पे तो एक निहत्ता बंदा ही होता है जो उसको आसानी से मार लेता है, वो साहिल। फिर उसके बाद यहाँ से फुटस्टेप्स आर्थर बंदा भी था यहाँ पे, जो कि भाई कत्ता ही ज़्यादा ही निहत्ता था, जिसको कि हम VSS से फिनिश करेंगे। और भाई ये कति सामने में आया तो मैं थोड़ा सा डर सा गया कि भाई बंदा आ गया उसको रिवाइव देने। फिर उसके बाद भाई इधर से एक शॉट गन चलते जिसका आवाज़ पूरा गूंज चुका था भाई यहाँ पे। मैं बता दिया था इन लोगों की बंदा है यहाँ, और भाई लेफ्ट में भी था एक बंदा स्क्वाड हाउस पे, क्योंकि भाई टॉमी या M16 कुछ चला रहा था। और भाई मैं स्कोप खोल के रखा था और कतई हेड ही हेड मार के उसको ख़त्म ही कर दिया। और भाई यहाँ पर इस बंदे को तो खैर बैड किलर ने मार दिया, मतलब साहिल बोलूँगा मैं उसको, उसने मार दिया। और भाई यहाँ पे उसके मतलब इन स्क्वाड के सिवाय कोई था नहीं यहाँ पे, तो लूट उट करके भाई निकलते हैं बंदों की ओर। Enemy down. थोड़ी सी बेसिक लूट करने के बाद अपन निकल जाते हैं बंदों की ओर जैसी बगी लेके। और मैं सोच रहा था कि US लेके आते तीनों एक साथ जाएंगे, बट उतने पे ही भाई यहाँ पे मेरे को एक बॉट दिख जाता है। तो भाई बॉट है तो KD बढ़ाएंगे, वो बात अलग है। दो दिन में सीजन ख़त्म होने वाला है, मार लेते हैं यूजी से, मार दिया इसको। फिर उसके बाद भाई एक बंदा जैसे ही अपन गाड़ी पे बैठते US से आता है, और भाई उसको देखना कि हम कहाँ तक दौड़ाते उस बंदे को। उस बंदे की पेटी शर्ट लूट के भाई अपन आ जाते गड्डी पे, और जब मैं देखता हूँ कि उधर मूवमेंट हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई कि डायरेक्ट चल चढ़ा दे ठोक दे कती तू। पर यार इसने कई गंदे से हगा यहाँ पे। फिर उसके बाद भाई हम लोग पीछा करने लग जाते ये वाले US का, इसको छोड़ के, क्योंकि भाई ये बग्गी है तो इस पर दो से ज़्यादा बंदे तो बैठ नहीं सकते। तो भाई देखना अब इसका पीछा हम लोग कहाँ तक करते हैं। अब हम लोग ओल्ड बेसिन से नॉर्थ ही ला चुके थे, तब मेरे दिमाग में आता है कि भाई गन तो अपने पास है तो इसकी गाड़ी नहीं कती फोड़ दे हम। फाइनली इसकी गड्डी यहाँ पे फूटती है, और इसका नाम था ग्लॉक अभी, मतलब भाई ये बंदे ने क्या ही भगाया हम लोग को। और इसकी पिट्टी शिट्टी लूट के भाई और बंदों की ओर चलते हैं अब। और भाई मेरे को अभी से याद आया कि मेरे एक फ्रेंड का चैनल है जिसका है अभी 123, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो भी एक फ्रेंड है मेरा, तो उसका भी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर कर देना उसके वीडियो पे। तो अब बात करते हमारे गेम प्ले की। फिर अपन यहाँ से गाड़ी चेंज कर लेते क्योंकि बग्गी पे गोली ज़्यादा लगती है, और ये कति पागल है, ये ऐसा ही बोलता है कि अलग अलग गड्डी पे चलो।
और भाई ये हेल्प हेल्प हो रहा था बट मुझे किल्स चाहिए थे तो मैं उसको लेने नहीं जा सकता था। अगर वो वीडियो देखेगा तो सॉरी भाई, मेरे को किल चाहिए था, गेम प्ले बनाना था, इसीलिए मैं नहीं कर सका ये सब। तो उसके बाद भाई अपन ड्रॉप पे आ जाते हैं और भाई ड्रॉप पे थी द गॉड गन। जैसे ही अपन ड्रॉप पे गए और इसकी हरकतें देखो, कती भाई बंदर ड्रॉप का भूखा हो रखा है। मतलब भाई ड्रॉप देखा नहीं थी, गाड़ी से कूद जाते हैं। यहाँ पे आरपीजी थी तो मैंने उठा लिया, सोचा यार अच्छा सा कंटेंट बनेगा तो व्यू आएंगे मस्त। और भाई ये बैठ नहीं रहे, बैठ जा। जैसे ही ये बैठते हैं अपन सीधा मेरे को एक बंदा दिखता है अपार्टमेंट की वो सड़ी सी बस के पास, बट डायरेक्टली यहीं पे गाड़ी को घुसा देता हूँ, ला के डायरेक्ट ठेस देता हूँ। और भाई यहाँ पे तो कोई बंदा था नहीं, बॉट था वो, पर तब्बर भी यार हम आरपीजी से ही मारेंगे उसको। मेरे को डर लगता है आरपीजी चलाने से तो मैं यूज नहीं करता। भाई कतई मैं अपने मुंह पे ही मार रहा हूँ और भाई ये मर गया तो इसको भाई मुझे लगा M4 है इसके पास, बट ये M16 वाला ही है तो मैं आरपीजी तो नहीं छोड़ सकता था। अभी और बंदे मारेंगे और भाई एक और बॉट आता है जिसको कि आरपीजी से ही मारेंगे। चलो इस बंदे को भी मार दिया अच्छे से, आरपीजी से ही फिनिश भी करेंगे। नहीं नहीं करते, एक ही एमो। उसके बाद मेरा टीममेट उधर फाइट लेने चला जाता है अकेले अकेले और मेरे को बताता भी नहीं है, और मेरा ध्यान भी नहीं था। मैं भाई एआर गन खोज रहा था, मुझे अभी तक नहीं मिला था। तो हील वील करके भाई आरपीजी के कुछ तगड़े शॉट्स देखने मिलेंगे, मतलब एक ही शॉट मिलेगा। लेकिन भाई जो बंदों को मार रहे हैं ना, मतलब बंदे को मार रहे हैं, वो भाई मज़ा आ जाएगा देख के कतई। उसके बाद मेरे बंदे के पास आ जाती है एक बग्गी तो मैं तुरंत रश कर देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि भाई उसको मरवाना तो नहीं चाहता था, मगर वो लोग भाई तुरंत उसको नॉक फिनिश भी कर देते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको कुचलने की मगर नहीं कर पाता हूँ। और रेड जोन भी था तो भाई मैं रेड जोन से डरता हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही। तो मैं भाई पहले गाड़ी पहाड़ी पर ले जाता हूँ और वहाँ से मारेंगे इनके आरपीजी। जैसे ही पहाड़ पे आता हूँ पहले तो आरपीजी पे 3x लगा लेता हूँ ताकि मुझे दूर तक दिख जाए। अरे मेरे को बंदा हल्का सा दिखा है और दिख गया होगा अब कंफर्म, वहाँ बैठा है शैक में। और ये वाले आरपीजी के लिए लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना भाई। दो दो बंदे का तीन मार दिया आरपीजी से। फिर उसके बाद डायरेक्टली उन बंदों से मैं गन लेने चला जाता हूँ और मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे और भी बंदे बच रहे हैं। मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ भाई और थे बंदे वहाँ, तब गौर नहीं कर रहा था उस टाइम। मेरे गन चाहिए थी तो मैं गन उठाता हूँ और भाई लेफ्ट में राइट में था बंदा, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर देता है। और भाई मैं डायरेक्टली रश करता हूँ इस पे, बट अलग लेवल का हक देता हूँ। फिर उसके बाद साहिल आ रहा था मेरे को बचाने, भाई वो बचा भी लेता है। भाई उसको बोल रहा था मैं हेल्प हेल्प, मुझे लगा वो क्रेट लूटेगा, बट भाई स्मोक कर रहा था बंदा, थोड़ा सा दिमाग वाला है, बट चलो इसने रिवाइव दे दिया। फिर उसके बाद स्कूल वाले बंदे पे डायरेक्टली रश कर देंगे। चलो यहाँ पर तो मैं रिवाइव होके मस्त हीलिंग विलिंग कर रहा हूँ, फिर डायरेक्टली रश करेंगे बंदे पे। एक मिनट पहले 6x लगा लेते हैं अपने पे, हाँ है तो 6 लगाते हैं, फिर डायरेक्टली रश करेंगे। भाई कितने बार बोलूंगा मेरे को नहीं पता, बट जाएंगे अब। अब भाई मैं यहाँ पे थोड़ी सी नाकाम कोशिश कर रहा था जैसे जी गुरु जी किया था उससे, भाई हो गया था निकती, हमसे तो होता ही नहीं है ये सब। अब भाई डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे। मैं ड्रॉप भी चेक कर लिया था क्योंकि मेरे हेलमेट वैसे तो भाई कती नल्ले से हो रखे हैं, फटी पड़ी है सबकी। ड्रॉप पे तो कुछ बचा था नहीं, ड्रॉप एम्प्टी है, तो बस सब बंदे पे रश करते और देखना भाई ये बंदे क्या ही कैंप कर रहे थे सीढ़ियों पे। और भाई मैं यहाँ से जा ही रहा था कि भाई चार चार बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, बट देखता हूँ कि मेरा टीममेट ऊपर जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ उसके साथ साथ। Enemy. Enemy
भाई यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, किसको कितना किल मिला, पर जो भी है हमको यहाँ, हमारे यहाँ पे 10 किल हो चुका था। और भाई इन बंदों से मिल जाता मेरे को 8WWM। अब भाई कुल बच रहे थे 6 बंदे और भाई हमारे पास था ओम, तो ओम का तो प्रयोग जरूर करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं करेंगे। एक बंदे का तो मारेंगे ही मारेंगे, थोड़ा सा हीलिंग वीलिंग करके भाई। उतने भी एक बंदे के फुट स्टेप्स आते, शायद बॉट के थे बट नहीं पता किसके भी थे। अब जिसके भी थे तो भाई मैं सोचता हूँ उसको ओम से चटकाऊंगा, लेकिन यार अब हम लोग को जोन में भी जाना था क्योंकि एक ही मिनट था और गाड़ी तो थी नहीं अपने पास, बट आगे जाके मिल जाएगी। भाई मैं बोला था जोन चल, लेकिन ये बंदे को खोज रहा था, बट आखिर में आ ही जाता है, फिर मैं भी चला जाता हूँ जोन में। अच्छा हो गया कि यहाँ पे US खड़ी थी और मैं क्रेट लूट रहा था, पता नहीं क्यों मन किया मेरा थोड़ा सा। अब बैठा ये गाड़ी पे, जैसे ही मेरे को हल्का सा बंदा दिखेगा इस हिल पे जाऊंगा, फिर हिल पे नहीं मतलब उसके बाजू पे जाऊंगा। मुझे एक पल के लगा कि एक बॉट है बट ये रियल प्लेयर होता है, और यहाँ पे इसकी पूरी टीम होती है, मतलब 2 बंदों की टीम थी और मैं ट्राई करता इसको ओम, पता नहीं कैसे बच गया ये। और आगे दिखता है बंदा एक, जिसका भाई हमारा ऐसी तैसी करके मार देते, जिसको हम ऐसी तैसी करके मार देते हैं। हाँ इसकी भी क्रेट वेट लूट लेते क्योंकि मेरे को भाई हीलिंग्स चाहिए थी, मेरे पास नहीं थी, वो बात अलग है। 6 फर्स्ट एड रखता हूँ मैं यहाँ पे बैंडेज फेंक देता हूँ। भाई मेरे को ग्रेनेड चाहिए थे क्योंकि भाई क्या पता बंदा घर पे हो, अगर कोई घर वहाँ जोन पे हुआ तो मैं ग्रेनेड उठा रहा था। और भाई मेरे को अब किल चाहिए, और मैंने भाई टोटली ठान लिया था कि लास्ट बंदे को तो मैं ओम से ही मारूंगा, और कुछ वैसा ही होता है। बाकी है सिर्फ हर, हेलो हर, हीलिंग वीलिंग करके भाई मैं थोड़ा सा और चेक कर रहा था क्रेट, पता नहीं मेरा बहुत लूटने का वो होता है, अलग ही आसमान छू रहा है मेरे दिमाग अभी। और भाई उसके बाद बैट किलर बोलते हैं, सुनो खुद ही बंदा भाई बॉट ही होगा, बॉट। फिर मैं बंदे को देख रहा था, मुझे खिड़की पे शायद छोटा सा कुछ दिखता है, तो मैं स्कोप इन करता हूँ बट होता नहीं है कुछ। और मैं भाई ड्रॉप में वो लेता हूँ हेलमेट वेस्ट, और भाई ड्रॉप पे भी होती है एक AWWWWM, हमारी फेवरेट गन, तो मैं उसको उठा लेता हूँ। और मैं सोच लिया था भाई अब तो कन्फर्म मारूंगा, अब 2 ओम रखो तो कन्फर्म मारूंगा। तो अब देखना उस लास्ट वाले बंदे को कैसे मारते हैं हम। मैं भाई कुत्तों की तरह उस बंदे को ढूंढ रहा होता हूँ, मेरे को दिख नहीं रहता है, फिर मेरे को डाउट आता है कि वो बंदे शैक पे, शैक नहीं मतलब ये छोटा सा वॉच टावर है उस पर, अब अगर वो बंदा भी वहाँ नहीं होता है। लेकिन भाई पहले बूस्ट हो लेते, ड्रिंक श्रिंक कर लेते और पेन किलर खा लेते हैं, दर्द मिटाएगा ये पेन किलर। फिर उसके बाद देखता हूँ मैं यहाँ, बट दिखता है नहीं बंदा भाई, घास भी इन्होंने कती बड़ी बड़ी कर रखी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है बंदे को सांप स्पॉट करने में। भाई ये कती एम पर फायर कर रहा था, मैं डर गया था, और मुझे दिख गया यहाँ पे बंदा, वो भागा भागा आ रहा, और उसको एक ओम चटका दिया, और भाई दूसरा ओम भी चिपकाना है मेरे को। और भाई कती रनिंग गलत जगह पड़ गया उसके। तो इजी चिकन डिनर, अगर आपको ये वाले वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।